वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपनी रसोई में बनाने वाले हैं मूली के पत्तों की सब्जी। मैंने लगभग यहाँ पे 2 किलो मूली के पत्ते ले लिए हैं, जिनकी मोटी मोटी डंडियाँ मैं उतार के पत्ते पत्ते साफ साफ छान के रख लूँगी। देखिए मैं सारे पत्ते अच्छे से छान के निकाल रही हूँ, जो भी इसकी मोटी डंडी है वो निकाल कर एक साइड रख दूँगी और इसे बारीक बारीक करके हम कट कर लेंगे। और अब हम कच्ची घानी तेल लेके उसके अंदर जीरा, लहसुन और अदरक अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए जैसे हमारे 1-2 मिनट में ये ब्राउन हो जाएंगे और अब हम इसके अंदर लगभग 3 से 4 मोटे अनियन कट करके डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे और जैसे ही थोड़ा ब्राउन हो जाएगा हम इसके अंदर लगभग 2 से 3 मिर्ची कट करके डालेंगे। 3 से 4 टमाटर, 3 से 4 टमाटर को लगभग जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते इतना भूनेंगे। और अब हम मसाले डालेंगे। मैंने लगभग यहाँ पे 1/2 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच ही गरम मसाला, 1.5 चम्मच कस्तूरी मेथी। और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही हमारे अच्छे मसाले भून जाएंगे उसके अंदर मैंने 2 से 3 कटे हुए आलू इसके अंदर डाले हैं। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने पत्ते मूली के पत्ते कट किए थे वो यहाँ पे डाल दिए मैंने। और आप इसको धीरे धीरे करके चलाएंगे और लगभग 1 से 1.5 चम्मच आप इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अगर आप तेज खाते हैं थोड़ा सा 1.5-2 चम्मच कर लीजिए और अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो टीस्पून रखिए। देखिए और हाई फ्लेम के ऊपर इसको आपने 15 से 20 मिनट पकाना है। बीच बीच में आप चलाते रहिए, चेक करते रहिए कि इसका पानी अच्छे से सूख गया है। और इसकी जो ग्रीनरी है इसको साफ करने के लिए हमें इसे इतना मतलब ढक के नहीं बनाना है, बार बार निकाल कर जो इसका स्टीम है वो निकाल देना है, चलाते रहना है अच्छे से। और देखिए 15 मिनट्स में ये हमारी सब्जी रेडी टू ईट है। आप इसे सर्व कर सकते हैं मक्की की रोटी के साथ। हम लोगों ने यहाँ पे मक्की की रोटी के साथ मक्खन के साथ इसको खाया और इसके मक्की की रोटी में हमने 1 मूली कस के डाली थी ताकि हल्का सा फ्लेवर हमें आता रहे। और यकीन कीजिएगा ये इतनी टेस्टी बनी है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब ने इसे दिल से खाया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।